मीडिया में एंकर ही है जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपनी डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो की बात करेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट या शो में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करेंगे NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा की। पहला, किसान आंदोलन के मजबूत इरादों का चेहरा बनी महिलाएं। दूसरा, किसान आंदोलन को लेकर आखिर बेसब्र क्यों होने लगे हैं लोग। तीसरा, मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फूटा भांडा। चौथा, किसानों के आंदोलन को सेना चाइना से जोड़ने की कवायद। पांचवा, भाजपा से जुड़े नेता किसान आंदोलन को बदनाम करने पर क्यों हैं आमादा। रवीश ने अपना डिबेट का मुद्दा किसान आंदोलन पर फोकस करते हुए रखा। अलग अलग प्राइम टाइम में कुछ न कुछ जानकारी देते नजर आ रहे हैं। एक शो में मोदी सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले पैसे को लेकर कुछ जानकारी देते दिखे। वह बता रहे हैं कि ये राशि क्या हर किसान तक पहुंच भी रही है या नहीं। सीधे पैसे भेजना पॉलिटिक्स का सफल फॉर्मूला बन गया है, लेकिन अगर आप मीडिया रिपोर्ट को खंगालेंगे तो ऐसी खबरें मिलेंगी जिनसे सवाल उठ सकता है कि यह योजना गुड गवर्नेंस का श्रेष्ठ उदाहरण है या नहीं। 28 अगस्त 2020 के अमर उजाला में खबर है कि बलरामपुर में 800 मृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। 27 सितंबर को पत्रिका में खबर है कि यूपी के बाराबंकी में करीब 2.5 लाख ऐसे लोगों को सम्मान निधि दे दी गई जो इसके पात्र नहीं है। एक जिले में क्या वाकई 2.5 लाख फर्जी तरीके से किश्तें दी जा रही थी? खबर के मुताबिक जिसने गड़बड़ी उजागर की उसी पर मुकदमा हो गया। प्रभात खबर में 21 दिसंबर की खबर है कि 36,824 ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जिनके खाते में गलत तरीके से 32,71,00,000 का ट्रांसफर हो गया पैसा। हम बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, किसान है तैयार, बात करेगी सरकार, किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों का क्या काम। दूसरा, नए साल से पहले निकल पाएगा किसानों का समाधान। तीसरा, पीएम मोदी ने क्यों कहा किसान आंदोलन मुद्दे से भटक गया। चौथा, कल किसानों को क्या संदेश देने वाले हैं मोदी, राहुल प्रियंका का किसान प्रदर्शन क्यों। पांचवा, किसानों ने प्रस्ताव ठुकराया, अब कैसे बनेगी बात, 28 दिन हो गए, कब निकलेगा समाधान। संदीप चौधरी ने भी अपनी डिबेट के जरिए किसान आंदोलन को लेकर भाजपा नेता से बात की और तीखे सवाल भी किए जो शायद गोदी मीडिया में हमें देखने को नहीं मिलते। मैंने अपने ओपनिंग संबोधन में संजू साफ बताया, 5 तारीख को आखिरी औपचारिक बातचीत हुई, आज हम 27 तारीख में बैठे हैं, 22 दिन हो गए कोई बातचीत नहीं हुई, 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से मैंने कहा अभी किस शुभ मुहूर्त का इंतजार है। अगर किसान कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी है तो सरकार को फौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये एक बात साफ साफ कह दूं कि जो आप 40 किसानों के मौत की बात कर रहे हैं उसका हम सबको बहुत दुख है, पर आप कतई उनके मौत को किसान आंदोलन के साथ जो आप लिंक कर रहे हैं उस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करती हूँ। अच्छा। क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जिनकी मौत हुई है उनका किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये घटना घटी। यहाँ पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 40 किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, तो आप कह रहे हैं आंदोलन से मत जोड़िए। अब बात उस मीडिया की करते हैं जो सरकार से सवाल तो करता नहीं और अगर सवाल होता भी है तो विपक्ष से और किसी भी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी भी नहीं देता। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के संपादक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, विपक्ष के जहरीले प्लान पर मोदी का प्रहार। दूसरा, किसानों को सियासत का मोहरा क्यों बना रही है वाड्रा कांग्रेस। तीसरा, अन्नदाताओं को कौन भड़का रहा है। चौथा, AMU का मंच मोदी का पंच। पांचवा, शाह प्लान से चित होगी ममता। अर्नब ने अपनी डिबेट में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। खैर, देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है तो देखते हैं वह किसान आंदोलन के मुद्दे पर क्या कहते दिख रहे हैं। देशवासियों, आज वाड्रा कांग्रेस का एक और घोटाला सामने आया है और यह है दस्तखत घोटाला।
सिग्नेचर स्कैम। एक बार फिर वाड्रा कांग्रेस झूठ बोलते रंगे हाथ पकड़ी गई है। किसानों के नाम पर राहुल वाड्रा गांधी फरेब कर रहे हैं। 2 करोड़ वाला सफेद झूठ बोला था और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा ने आज कहा कि उनके पास 2 करोड़ किसानों के दस्तखत हैं और ये 2 करोड़ सभी किसान नए कृषि कानून के खिलाफ है। दोस्तों, शुरू में मैं खुद में सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच 2 करोड़ किसान कृषि कानून के खिलाफ है। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर अपनी चर्चा की। पहला, पीएम मोदी की अटल प्रतिज्ञा, किसानों के सम्मान में मोदी मैदान में। दूसरा, किसानों के नाम पर सियासत जिंदाबाद, किसानों की लड़ाई लोकतंत्र की दुहाई। तीसरा, संवाद पर भारी सियासी विवाद, 2021 तक जाएगा किसान आंदोलन। चौथा, गणतंत्र पर भारी लोकतंत्र, जम्मू और कश्मीर की जनादेश का क्या है संदेश। पांचवा, कृषि सुधार कानून पर किसानों का मूड, क्या कहता है देश का किसान। अमीश देवगन ने कई मुद्दों पर डिबेट की। किसान आंदोलन पर क्या वे भी जानकारी देंगे या फिर खबर ये भी देखते हैं। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार लिखित में ठोस प्रस्ताव भेजे तो किसान बातचीत के लिए तैयार होंगे। और किसानों का साफ कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार आग से खेल रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नेताओं का सियासी विवाद किसानों के साथ संवाद पर भारी पड़ रहा है। ये सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी से उठा रहा हूँ क्योंकि सरकार किसानों के साथ संवाद चाहती है, बातचीत चाहती है, लेकिन इस संवाद के बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष संवाद की राह में रोड़े डाल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संवाद से विवाद सुलझाया जाए। एक मीडिया से हम खबर के साथ साथ जानकारी भी पाते हैं तो दूसरे मीडिया के साथ हमें खबर के साथ और कुछ देखने को नहीं मिलता। दोनों तरफ के मीडिया को आपने खुद ही सुना और देखा। अब आप ही तय कर सकते हैं कि आपने किस मीडिया को चुनना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।